हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्टोरी बर्ड चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए पेपर की सीरीज के लेके साथ आए हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर वन, जो आपका सेमेस्टर वन में है। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा आपके यूनिट सारे प्रॉपर टू प्रॉपर कन्वर्ट होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको दूंगी। सो गाइज, और ये पूरी पीपीटी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नोट्स नहीं बन रहे भी, वीडियो से मुश्किल लग रहा है, तो आप खरीद सकते हैं 30 रुपीज में इस नंबर पे कांटेक्ट करके। सो ये बेसिकली जितने भी आपके नोट्स हैं, जितना भी आपका पेपर है, ये आता है उपेंद्र सिंह की किताब है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अर्ली मेडिवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू द 12th सेंचुरी। उपेंद्र सिंह की किताब से आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शंस हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर वन शुरू करना है। चैप्टर वन, अब बात आती है इंग्लिश हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या करेंगे। तो गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, जो पहली चीज़ हमें समझनी है, आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि किस तरीके से हम इतिहास को पढ़ सकते हैं। आपका पहला सवाल आपके पेपर में आप देखेंगे, पूरी वाली चीज उठाएंगे तो यही आता है। तो जैसे कि हम समझते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, इसका कोई एक नहीं है, कई सारे रोल हैं, कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। और अब तो हमें समझना पड़ेगा कि पहली बात तो कोई भी एक सिंगल और फाइनल हिस्ट्री नहीं होती है। हम कुछ भी देखें इन द सेंस, आप कोई भी पास्ट को ऑब्जेक्ट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसमें बहुत सारी बातें मिली। अगर मैं आपके सामने ग्लास रख दूंगी कांच का, कोई इसको आधा ग्लास पानी कम समझेगा, कोई इसमें भरा समझेगा। सो आप सब अपनी 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 इंटरप्रिटेशन देंगे, कोई ग्लास को देखेगा, कोई इसमें पानी को देखेगा, कोई इसमें रिफ्लेक्शंस पड़ रही होंगी उसको देखेगा। तो हर जने की अपनी अपनी अपने विचारों से, जिस तरीके का भी इंसान होता है उस तरीके की वो इंटरप्रिटेशन लाता है। अब बात आती है फिर, ये इतिहास तो कोई सच्चा है ही नहीं। हाँ, इतिहास में कुछ भी हम जब बात करते हैं तो कोई भी एग्जैक्ट ट्रुथ नहीं होता, उसकी कहीं कहीं अपने अपनी बातें होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है हिस्टोरियंस रोल। अब हिस्टोरियन का क्या रोल है इस पूरे चीज़ों में? हिस्टोरियन का रोल है कि वो इस बार बार इतिहास को पढ़े, अलग अलग पर्स्पेक्टिव से देखे और उसके आसपास की जो डिबेट्स हो रही हैं उनको समझे ना। ये तो चीज़ें हो गई, क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरियन ही क्यों समझ सकता है? कोई भी ऐसा नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है? नहीं। स्पेसिफिकली एक हिस्टोरियन की ट्रेनिंग की जाती है, जब वो BA, MA, मास्टर्स, MPhil, PhD करेगा तो उसे सिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसे न्यूट्रल रहना है, उसे अपने भाव नहीं लाने, उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करना। तो कहीं ना कहीं ये भी हम देखते हैं एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके कि अपनी अपने विचार और अपनी अपनी बातें हैं। अब जब हम इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे थे, तो दे आर सर्टनली दो टाइप की हिस्ट्री होती है, दो टाइप की सोर्सेज हैं। एक तो है लिटरेरी सोर्सेज लिखित, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें पुरातत्व विभाग से मिलते हैं। तो पुरातत्व, जैसे कि आपके ताजमहल में हम देखो कि पुरातत्व विभाग, कुतुब मीनार, ये सब आर्कियोलॉजिकल, ये ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में ऐसा नहीं है सिर्फ आपको लिखित ही मिलते हैं, बट हमें ऐसा भी है जैसे कुछ ओरल टेक्स्ट हैं कि जो कुछ बोले जा रहे थे वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो कुछ होंगे टेंजिबल, कुछ होंगे इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जो चीज़ें आप देख नहीं सकते, जैसे कि कस्टम्स है, तो वो चीज़ें भी एक ट्रेडिशन को करती हैं, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हम जब बात करें तो ये ऑब्सोल्यूट नहीं है। ऑब्सोल्यूट मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने जो कह दिया वही चीज़ हो रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है आर्टिफैक्ट, मतलब जो भी आपने जब खुदाई करी तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मिली होंगी, तो वो चीज़ें कैसी थी, कौन सी थी, उसका हमें समझ में आएगा। अब समझना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोर्सेज। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ों को सोर्सेज की तरफ से देखते हैं, टेक्स्ट सबसे बड़ी बात करते हैं कि समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जितना भी चीज़ें हो रही थी, एंशियंट टेक्स्ट ज़रूरी नहीं है वो हमें कोई भी सीधी बात नहीं करेंगे। आप समझो कि हमें इतिहास लिखने की ज़रूरत ही क्या, इतिहास तो लिखा हुआ है तो बस उसी को पढ़ो और अपने हम देखो, नहीं। वो एक तरीके, वो एक विचार से लिखा गया, इतिहासकार जब उसको पढ़ता है तो वो उसको विचारधारा को अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा कि उस टाइम की किस तरीके की जटिलता, किस टाइम की हमें स्रोतों की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, हमें सबसे पहला जो एग्जांपल देखने को मिलता है जब हम इतिहास की बात करते हैं, कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की राजतरंगिणी की बात करें तो 1148 CE। अब सबसे बड़ी बात मुश्किल ये आती है, CE क्या है? दैट इज़ क्रिश्चियन एरा। जैसे आज जो भी डेट है वो हम क्या कहते हैं, 2021 सेंचुरी चल रही है, तो
ये बेसिकली क्या है, सीई है, हम कृष्ण ने रवि है, पर ऐसा तो नहीं ना कभी डेट ऐसी भी रही होगी 111, और 111 से पहले भी जिंदगी और लोग रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर कृष्ण एरा बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो किताब है राजतरंगिणी, इसे हम कहते हैं 1148 CE। इसमें हमें सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो हिस्टोरियंस थे वो बात करते हैं कि किस तरीके से कलहन की लाइंस, फैक्ट्स, लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं, कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से एंशियंट टेक्स्ट बनाया जाता था, उनके ऊपर लिखा कैसे जा रहा था, स्टाइलस को बनाते थे लकड़ी को पतला करके, सो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इसमें, मल्टीपल चीज़ें जो इसमें हो रही थी। अब आती है प्रजर्वेशन ऑफ टेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके साथ साथ हमें क्या समझना है कि किस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट के बचाते थे, इनके दिमाग में भी था कि कुछ टाइम बाद अगर ये पत्तों पर लिखेंगे तो वो अब परमानेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम देखते हैं फ्यूमिगेशन, क्लीनिंग, रिपेयरिंग डैमेज पोर्शंस। सो बार बार चीज़ों को जो ख़राब हो जाती थी उसको ठीक करना, उनको लंबे समय तक वो रहें कोशिश की जाती थी वो बनाना। और ये मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रेडिशन हम इतना लंबा चला कि जब से दुनिया बनी उससे देख लेके हम देख रहे हैं 19वीं शताब्दी तक ये चलता ही गया। देख लीजिए हिंदी में नोट्स हैं साथ साथ, आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये इंग्लिश रख रही हूँ, बट आप दोनों में ही जिसको जो आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। अगर हम एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो ये बात करते हैं कि किस तरीके से ये ढूंढा जाए, किस तरीके से बचाया जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। हमें समझना है कि सबसे बड़ी बात, अब आपने टेक्स्ट को पढ़ा, लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ा, अभी तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से है, पर समझना है कि कौन कौन से चीज़ में जब हम गया है कि ज़रूरत क्या है, हमें समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा कि वो किस समय पे लिखा गया, किसने लिखा, क्योंकि जो लिखेगा वो अपने तरीके से लिखेगा। अगर मेरी कोई नॉवल होगी, कोई लोग जर्नल्स लिखते हैं, रात को डायरीज लिखते हैं, तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे ना अपने, तो हमें समझना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ऑथर का क्या बैकग्राउंड है, फिर किस जगह पे लिखा गया। अब कोई चीज़ दिल्ली में लिखी जाएगी उससे में, और कोई यूपी के छोटे से गांव में लिखी गई, या बिहार के छोटे से गांव में लिखी गई, या साउथ इंडिया में लिखी गई, कर्नाटका, केरला, अरुणाचल प्रदेश, या नॉर्थ ईस्ट में लिखी गई, या कश्मीर में लिखी गई, या पाकिस्तान में लिखी गई, या न्यूयॉर्क में लिखी गई। हम सबका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन सब चीज़ों में चेंजेस लाने का। सो टेक्स्ट को हमें समझना है कि एक फ्रेमवर्क है, एक जॉनर है, जिस तरीके की वो लिखा गया है, कालिदास के काव्यों का ऐसे अलग है, वो जैन से आ रहे हैं, देन हमें मिलते हैं ब्राह्मीर है, सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें लिखते जा रहे हैं। लिटरेरी सोर्सेज को अगर हम क्लासीफाई करें तो लैंग्वेज फैमिलीज हैं, तो लैंग्वेज फैमिलीज इन द सेंस, अब सब अलग अलग लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस, बेसिकली इंडो यूरोपियन एंड ड्रविड़ियन। इंडो यूरोपियन हम देखते हैं कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और द्रविड़ियन जैसे तमिल, कन्नड़। तो अब एक और तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, हमने कहा पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑथर कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हम, सबसे बड़ी बात है एक और चीज़ आती है, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में हो सकता है कि संस्कृत यूज़ हो रही हो, बट अब नॉर्थ इंडिया में संस्कृत हो रही है, वो कहाँ से संस्कृत आई, इंडो यूरोपियन फैमिली। तो हमने उससे भी अपने टेक्स्ट को डिवाइड किया है कि कौन सी लैंग्वेज से हम किस कहाँ पे आ रही थी। नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं गोंडी, बुरुई, मालतो, तिब्बतो बर्मिस फैमिली जैसे बोडो, मणिपुरी, तो ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस का हमें यूज होता है वो दिखता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उठ के आती है उसकी कहानी है, वो है संस्कृत। संस्कृत हमें सबसे पुराने टेक्स्ट में देखने को मिलती है, अगर आप देखें तो इंडो ईरानियन ब्रांच और इंडो यूरोपियन, मतलब इंडो ईरान और ईरान में, और जो यूरोप में जितने भी कनेक्शंस थे वो हम देखते हैं इसी लैंग्वेज से निकलते आ रहे हैं। संस्कृत सबसे पहले हमें देखने को मिलती है ऋग्वेद में, तो वो अर्ली वैदिक संस्कृत है। फिर धीरे 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 जब पाणिनि की अष्टाध्यायी आती है 4th-5th BCE में, सेंचुरी BCE में, तब हमें देखते हैं कि मॉडर्न जो आज की संस्कृत है उसमें वो फॉर्मलाइज हो जाती है, जिसमें वो बड़े तरीके से बताते हैं कि कौन सी अल्फाबेट्स रहेंगे, कौन सी चीज़ें रहेंगी और कौन सी नहीं रहेंगी। ये आप चार देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, बट जितने भी टेक्स्ट हैं ऑलमोस्ट 76% जो टेक्स्ट हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में हैं। द्रविड़ियन इज समहाउ जस्ट ओनली 22% एंड बाकी तिब्बतो बर्मिज़ और एस्ट्रो एशियाटिक और कम है। सो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जिसका बोलबाला है दैट इज़ इंडो यूरोपियन।
द्रविड़ियन लैंग्वेजेस, हमने बात किया कि 22-23% टेक्स्ट जो हमें मिल रहे हैं और चीज़ें हैं वो द्रविड़ियन टेक्स्ट भी हैं। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो 1000 से 1500 CE में, मतलब बेसिकली जो आपका 10th सेंचुरी आ गया था, तो 15th सेंचुरी तक हमें इनमें इनके टेक्स्ट में डेवलपमेंट दिखते हैं। हमें तमिल ग्रामर तोलकपियाम ऐसे टेक्स्ट जो हैं वो बेसिकली तमिल ग्रामर है का पूरा टेक्स्ट, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है वैसे ही तोलकपियाम टेक्स्ट है तमिल ग्रामर के ऊपर, ऐसे टेक्स्ट आने लगे। दैट मीन्स बहुत लेट डेवलपमेंट थी, कहाँ हम 5th सेंचुरी BC में पाणिनि अष्टाध्यायी अपनी संस्कृत में टेक्स्ट लिख रहे हैं और कहाँ ये 10th से 15th सेंचुरी में अपने टेक्स्ट लिख रहे हैं। अलग अलग डेवलपमेंट होने लगी। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में भी हम देखते हैं जो इतिहासकार हैं वो डिवाइड करते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट हैं वो कंटिन्यूसली धर्म धम्म धर्म रिलीजियस आस्पेक्ट की बात करेंगे, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रॉडर सोशल कंडक्ट ट्रेड इन सब की भी हमें देखती है। तो जो इतिहासकार हैं वो इन दोनों पैमानों में डिवाइड करते हैं। कुछ चीज़ें बीच में ऐसी भी नहीं है कि अब बिल्कुल कोई ये जो ये लोग लिख रहे थे इतने अवेयर नहीं थे कि बिल्कुल एक जैसा लिखें, लाइक सबका अपना अपना था। कुछ आपको टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों ही बातें हमें होती हुई दिखती है। अब वेदास स्तुति, जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद क्या है, जो बोले जाए, दैट समथिंग दैट इज टू बी हर्ड, जो बोले जाए। और इनमें क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन वेद का मतलब क्या है, दैट इज क्योंकि लिखा जाने का मतलब ऐसा था कि लिखा जा रहे थे 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी CE में जाके ये वेद लिखे जा रहे हैं, बट उससे पहले भी कुछ थे, तो उससे पहले जो भी थे वो उनको हम इसीलिए बोलते हैं श्रुति, दैट मीन्स जो बोला गया बस ये, और स्मृति जो उनको याद था और उन्होंने लिखा गया। अब इसमें फर्क क्या है, श्रुति इसलिए बोला गया है क्योंकि श्रुति समथिंग दैट इज सीधा भगवानों ने आके बोला गया है, उनको किसी ने बताया नहीं है, भगवान ने आके खुद बोला है। और स्मृति मतलब उनको सब कुछ याद था, उन्हें ज्ञान हो गया था, पर वो भूल गए एक समय आया, तो जितने भी वेदांग पुराण एपिक्स धर्मशास्त्र राजनीति शास्त्र है वो उसका पार्ट है। वेद का एक्चुअली मतलब होता है जो छोटे से वर्ड से आता है विद, विद मतलब नॉलेज। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इन सब वेदों की अगर हम बात करें तो फर्दर डिवाइड होता है, जिसमें संहिता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद दिखते हैं। एक ऋग्वेद संहिता में हमें पता है कि 1028 हिम्स हैं और 10 बुक्स में डिवाइडेड है, सबसे पुरानी किताब। सामवेद, सामवेद में हमारे जो आपके सारे गामापा है वो वहाँ से आए। यजुर्वेद, यजुर्वेद में जितने भी रिचुअल परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, यज्ञ कैसे करना है, अथर्ववेद में जितने भी अभी ब्लैक मैजिक जादू मंत्र वो हमें देखते हैं। बट अभी हमने बात किया कि इन वेदों के भी फर्दर पार्ट्स हैं। देख ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता, ये किस तरीके से कोई भी टेक्स्ट लिखा जाना चाहिए। तो उसमें आपने लिख दिया वो पोएटिक फॉर्म में, अब पोएटिक फॉर्म कई बार हमें समझ में नहीं आते, कोई याद होगा अभी इंग्लिश की बुक्स में हमेशा पोएम्स होती थी, वो आपको टीचर्स बड़ी तरीके से समराइज करके हमें समझाती थी लिखाती थी, तो ब्राह्मणास कहीं ना कहीं उसी का ही पार्ट है। देन अरण्यकास, अब ये क्या है कि अब कुछ जब टीचर्स जब क्वेश्चन आंसर करवाती थी तब समझाती थी ये वर्ड का मतलब क्या है, वो वर्ड का मतलब ये किस कंटेक्स्ट में है उन पोएम्स के, तो सिमिलरली ये रिचुअल्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, उनका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि एक्चुअल में जो ये चीज़ें हैं उनको डीपली जाके किस तरीके से हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। फिर उपनिषद फर्दर के उसमें बताते हैं कि कैसे फिलोसफिकल आइडियाज उसमें देखे जा रहे हैं कि आत्मा ब्राह्मण को हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं, सोर्स वही है पर उसको वो उस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं। और ये बात ये नहीं खत्म होती, सबकी अलग अलग टेक्स्ट की डेट्स है, जैसे कि आप देखोगे वैदिक टेक्स्ट सबसे पुराना है, वैदिक के बाद वेदांग शुरू होता है लिखा जाना, वेदांग धर्म सूत्र धर्म सूत्रास और त्रिपिटक इकट्ठे लिखा जाना शुरू हो रहा है 600 BC। तो ये अगर आप लोग अपने चार्ट जो है अपने आंसर से बना के आए तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा मार्क्स लेने में। फिर ये सब तो चलता ही रहेगा, हम देखते हैं कि रिसेंशन ऑफ वेदास की जब हम बात करते हैं तो वेद कहीं ना कहीं आगे खुद में भी डिवाइड है, ऐसा नहीं है, वेद की खुद में भी डिवाइडेड है, दैट इज बेसिकली कुछ ब्लैक और व्हाइट स्कूल में होते हैं, जैसे यजुर्वेद जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण स्कूल में, शुक्ल मतलब व्हाइट और कृष्ण मतलब ब्लैक, तो ये दो स्कूल्स में। सामवेद और अथर्ववेद के बहुत सारे ऐसे हैं, शक्ल जो शाखा है वो हम देखते हैं उसकी कुछ नहीं है, शक्ल शाखा जो है ऋग्वेद की सिर्फ हमें वही शाखा मिलती है, तो जब एक वेद लिखा गया उसमें बहुत सारी शाखाओं से लिखा गया, समझिए जैसे जब ऋग्वेद था
बहुत लोग बोल रहे थे उसको, बार बार बोल बोल के एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचाए जा रहे थे। जब एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचाने लगे तो सबने अपने अपने नजरियों से देखने लगा, तो लोगों के गुट बन गए। तो गुट बन गए तो उन्होंने कहा कि हम तो इस तरीके से देखते हैं, हम तो इस तरीके से देखते हैं। तो ऋग्वेद के भी माने जाते हैं, बहुत सारी शाखाएं थी जिसको लोगों से देखती थी, पर जो आज हमारे पास है वो सिर्फ शक्ल शाखा है। उसके बाद हिस्टोरियंस इस बात को चैलेंज किया आता है कि अब हमारी जो इतनी भी जब बात करें वो बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं आती हैं। अगर हम लोग डेट्स लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे, कर भूमि, तो ऐसे करके डेट्स लिख रहे थे। मींस कर मतलब होता है हाथ, दो, और भूमि क्या है, अर्थ, अर्थ मीन्स वन, सो 21। तो दैट मीन्स अगर कोई डेट को उन्होंने रिफ्लेक्ट करा वो 21 हो गई। तो इस तरीके से ये डेट्स लिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जब वेस्टर्नर्स आए, जब यूरोपियंस आए, उन्होंने क्या सोचा कि वो तभी बढ़िया तरीके से रूल कर पाएंगे जब इनके ऊपर हम इनको जान लेंगे। जब हमने जानना शुरू किया तो उन्हें लगा कोई हमारा इतिहास है ही नहीं, हमने तो कभी रिकॉर्ड की ही नहीं डेट, बिकॉज जो हमारे यहाँ नरेटिव था, जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे थे, उनका नज़रिया अलग था, जिस तरीके से वो देखना और सोचने की शक्ति को समझते थे। तो इसी कारण हम समझते कहीं ना कहीं पूरा हिस्टोरिकल नरेटिव इस बात से घूम जाता है कि सिर्फ स्पेसिफिक डेट्स या नहीं है, हमें समझना पड़ेगा वो किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, और या अपने नज़रिए से, अपने चश्मे से हम देखेंगे तो वो हमें क्या होगा, वो हम गलत ही जवाब दे पाएंगे। अब ये बात तो है ही, ठीक है। अब बात आती है कि टेक्स्ट कहीं बारी, सिर्फ पहले तो सिर्फ वैदिक थे, बाद में बहुत सारे लेट टेक्स्ट आए। बट जब हम वेदांत की बात करते हैं तब भी हमारे पास डेटिंग नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे डिबेट्स है। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को जो डेट है वो मैक्सिमम ने 1500 BC बताया, 1500 BC। बट अगर हम औरों को देखें, जैसे कि आप देखेंगे कि ऋग्वेद तो ठीक है और भी है, और दूसरे जो टेक्स्ट हैं उनमें वो जो है, दूसरे जो लोग हैं वो इसे 1200 BC, वो इसे 1600 BC, वो इसे 800 BC, अलग अलग डेट से थे। तो कहीं ना कहीं जो लिखित इतिहास है वो भी अदलता बदलता रहता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो वही मिलेगा जो हमने यूज़ करके छोड़ी होंगी, फेंकी होंगी, नहीं मिल रही होंगी, स्टोर नहीं करी, और जो स्टोर करी है वो मिलेगा, राइट? ये फेंकी होंगी वो तो बहुत कम ही मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा नहीं। तो किस तरीके का गलत है सही है वो हम पूरा उससे क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें लिखित जो स्रोत है वो रेफर करने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एपिक्स की। एपिक्स में हम जब कहते हैं ना कि आपकी स्पेसिफिकली दो ही, दैट इज रामायण और महाभारत, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहानियाँ रामायण की, महाभारत की। बेसिकली रामायण जो है वो स्मृति के अंडर आती है। जैसे भी हमने बात समझी थी श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है, जो भगवानों ने बताई बात भी सारी सार सुनाई उनको, तुमने बता दी। अब स्मृति जब उनको ज्ञान हुआ पर वो भूल गए, और फिर जब उन्होंने जाके लिखा तो वही रामायण भी ऐसा ही उसी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, स्मृति। और दूसरा हम इसे बोलते हैं इतिहास। इतिहास मतलब बिल्कुल जो सच है। तीसरा है काव्य, बिकॉज एक प्रोज स्टाइल में लिखा गया है। महाभारत वाल्मीकि ने लिखा था और इसकी जो डेट है 400 BC to 400 CE, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, 800 वर्ष लगी थी इसको लिखने में। तो बार बार इसको में बढ़ते घटते चीज़ें होती रही, चेंजेस आते रहे, और हम देखते हैं वही चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होती हैं कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। तो कभी कभी आपको रिमाइंड दिखेगा कि बेसिक है, फिर उसके ऊपर आगे बढ़ती गई। डेटिंग हम हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्पेसिफिकली हम इतना बड़ा टाइम ले रहे हैं कि 800 साल में बने, तो क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही है, आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिख रही जिसके कारण ही उभर के आ रही है। महाभारत की बात करें तो महाभारत की खुद के अंदर 18 पर्व है, और जिसमें 2 रिसेंशन है, वो दो उसमें डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ। इसमें स्पेसिफिकली हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ रिसेंशन, मतलब नॉर्थ में एक तरीके की महाभारत लिखी जा रही है, एक साउथ में रिसेंशन। से सीधे कि मैंने आपको बताया जैसे स्कूल आप सेम चीज़ें डेवलप कर दिए। अब कौरव और पांडवास के बीच में लड़ाई हो रही थी तो उसके बारे में सारी बातों को कैप्चर करती है, किस तरीके की सर्मन्स हो रहे थे अपने आप की पावर को बढ़ाने के लिए, भीष्म ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कैसे किया। तो एपिक जो है वो हमें एक्चुअली में समझाती है कि कैसे हिस्टोरिकली इवेंट्स हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं पुराना किला, पुराना किला के नीचे में हस्तिनापुर जो साइट है
वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो महाभारत की रियलिटी है वो इस साइड से पूरी होती है कि हाँ साइट्स थी, उसके नीचे हमें स्पेसिफिकली आर्टिफैक्ट्स और कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली हैं जो अटेस्ट करती हैं कि उसकी वैल्यू को। तो आप पुराना किला की आप एक्सकवेशन देख सकते हो 1954 में होते हुए। दूसरी चीज़ आती है रामायण। अब रामायण में भी हम देखते हैं दो रिसेंशंस थे, ठीक है। नॉर्थ की जब हम बात करते हैं ना, नॉर्थ अपने आप में आगे भी है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न, तो मतलब जहाँ जहाँ अलग अलग रीजन, मतलब कश्मीर वाली साइड अलग, पंजाब वाली साइड अलग, यूपी बिहार वाली साइड अलग, तो सबका अपने 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 हिसाब से रामायण को लिखा जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हमें महाभारत की तो जैसे मिल ही रहे हैं हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में, जो दिखाती है NBPW, ठीक है। बट अगर हम बात करें रामायण की तो हमें क्या दिखाती है, OCP ऑक कलर पोर्ट्री, ठीक है। ऑक कलर पोर्ट्री के दिखने से हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली GL ब्रॉकिंगटन है वो बात करती हैं कि अगर हम देखें तो लैंग्वेज स्टाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो रामायण थी वो बाद में हो रही है, महाभारत पहले हो रही है, और यही आर्कियोलॉजिकल अटेस्टेड भी है। तो कई चीज़ें हैं जैसे अभी आप लोग कहते हैं कि रामायण पहले हुई थी और महाभारत बाद में, हमारा मेजर सर्कल यही कहते हैं, बट जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो हमें कुछ और पॉइंट आउट करते हैं। अनदर चीज़ जो है जो हमें समझने पूरा, अब ठीक है एपिक्स की बात करी जो हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है अगला, दैट इज़ पुराण। पुराण पुराने कपड़े हो जाते हैं, वैसे पुराने का मतलब होता है ओल्ड। पुरानी चीज़ में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पुराण है ये 18 महापुराण है और बहुत सारे उपपुराण भी होते थे। महापुराण मतलब जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों को वो कैप्चर कर रहे हैं, जैसे नंदी पुराण विष्णु पुराण, तो जितने भी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो हम इसमें होते हुए देखने को मिलते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं उनकी लिनेजेस को मार्क करना है एक के बाद एक, एक के बाद जो एक आ रही है। पुराना इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, पाँच बेसिकली पाँच चीज़ें होती हैं, सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतरा वंश वंशानुचित। सर्ग मतलब बताएंगे कि ये उसमें ये चीज़ें होंगी होंगी कि किस तरीके से वर्ल्ड बना, ठीक है। प्रतिसर्ग कि किस तरीके से हम देखते हैं कि दोबारा रिक्रिएशन हुई। फिर मनवंतरास अलग अलग मनु के अंदर भी हम देख रहे हैं अलग अलग पीरियड हो रहे थे। फिर उनकी वंश वंशार मतलब किस तरीके से भगवान की सेजेस हैं, और उसके बाद वंशानुचरित उनकी फर्दर डायनेस्टीज जो हम देख रहे हैं इंसानों क्विंगली गॉड्स की। तो अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। फिर युग महायुग ये भी हम देखने को मिल रहा है, कंसेप्ट ऑफ टाइम इज ऑल्सो देयर। तो कहीं ना कहीं बहुत साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन तो है, मतलब नो डाउट हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं बार 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 वही चीज़ें हो रही है, रिपीटेड है, वो यही बात कर रहा है। बट राइचियसनेस की बात हो रही है कि राइट चीज़ें हों, कैसे सोसाइटी में चीज़ें सही होनी चाहिए, तो ऑल टुगेदर हमें इससे डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जब हमने बात किया कि इसमें वंश और वंशानुचरित्र है, भगवानों की वो और लोगों की डायनेस्टिक लिस्ट, तो इन सबसे क्या प्रूव होता है कि कंटिन्यूसली आपको क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ वंशा वंशानुचरित्र। ये सबसे हमें देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में पता चल रहा है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस, क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि सोसाइटी में इस टाइम पे क्या हो रहा है, सोसाइटी की डेवलपमेंट्स क्या हैं। ये चीज़ें आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो चीज़ें ठीक है, चीज़ें चल रही थी इस टाइम पीरियड पे, बट इसके अलावा और क्या था जो हमें समझना है। ये हमें जो पुराण है बताते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में। अब पुराण ये पूरा ऑलमोस्ट पैन इंडिया कवर कर रहे हैं, हर जगह हर चीज़। तो ये बताते हैं कि कैसे विष्णु शिव शक्ति की डेवलपमेंट हो रही है, अलग अलग कल्ट्स की डेवलपमेंट हो रही है, वाउज लेके जा रहे हैं। पुराना हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक व्हीकल है, एक वाहन है, जिससे कि वो समझ सकते थे कि ब्रह्मानिकल सोसाइटी ब्रह्मानिकल चीज़ों में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो इट्स एन ऑल टुगेदर प्लेटफॉर्म। हम देखते हैं ना पुराण में सिर्फ डायनेस्टीज नहीं है, बट उसमें जितनी भी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कल्चर सोसाइटी ये सब हमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यही हमारी चीज़ें एंड नहीं होती हैं, हम आगे देखते हैं। अगली चीज़ तो देखने को मिलती है धर्म। धर्म में सबसे बड़ी बात आती है, दैट इज़ पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ में हम देखेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब राइटियस कंडक्ट, आप जो भी चीज करेंगे आप सही तरीके से करेंगे। काम, काम आप देखते हैं दैट इज सेंट्रल प्लेजर, अर्थ पैसे कमाएंगे, अपनी वेलबींग इंश्योर करेंगे, और मोक्ष आपको फर्दर लिबरेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये चारों ही काम जरूर है। अगर आप सोचिए कि आप एक ही पाथ अडॉप्ट कर लेंगे वो भी गलत है। तो इस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं ऑल टुगेदर जो चीज़ें हो रही हैं वो भी समझ में और देखने को मिलती है। नॉट ओनली दिस, वी विल मूव फॉरवर्ड। अब अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स जो हमें देखने को मिलता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का जैसे नाम से ही दिखता है कि धर्म, कि किस तरीके का धर्म होना चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं ना कि धर्म क्या है, धर्म वो है जब आप सोसाइटी में बात करोगे या किसी भी, मतलब क्या सही क्या है गलत क्या है, धर्म आपको सिखाता है। तो ये ही शास्त्र थे जब हम देखते हैं डेवलप कर रहे थे, जैसे कि ग्रह सूत्रास जिसमें देखने को मिलते हैं, श्रद्ध सूत्रास, दैट मीन्स अब रिचुअल्स करोगे, धर्म करोगे, यज्ञ करोगे, वो किस तरीके से करोगे, आगे सोसाइटी में चेंजेस आए तो वो किस तरीके से उनके लिए वो सब देखने को मिलता है। ना कि तो ये साथ ही साथ आपको दिखेंगे वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये सब सोसाइटी में डिविजन है कि किस तरीके एक अगर इंसान है तो उससे चारों आश्रमों को जीना है, तो उन चारों आश्रम में कौन से धर्म है, कौन सी चीज़ें सही है, ब्रह्मचारी जो है वो कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो गृहस्थ वाला नहीं कर सकता या गृहस्थ कर सकता है। तो हम देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों के डिवीजन हमें ये धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में ही अवेलेबल देखने को मिलते हैं। इनका नेचर जो है उससे आपको समझ में आएगा, बड़े सारे इश्यूज हैं, जैसे लॉज है, सिविल लॉज बेसिकली, कि लोगों का रहन सहन क्या है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल लॉज है वो हमें यहीं से जारी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो बात थी जहाँ पे लोग क्या रहेंगे, लोगों के बीच में अगर कोई क्लेश हो जाता है, कोई एक्चुअली भी वॉर हो जाती है, तो उस चीज़ में क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नॉर्म्स होंगी, किस कस्टम्स को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कैनानिकल एंड नॉन कैनानिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बुद्धिस्ट लिटरेचर में। सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा बुद्धिस्ट लिटरेचर में, अब साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में ब्रह्मानिकल सिस्टम इतना बढ़ जाता है कि इसको काउंटर, इसको दबाने के लिए, इसको पीछे करने के लिए दूसरी धर्म ऑप्शन लगते हैं। कारण तो ये माना जाता है, दूसरा माना जाता है ब्रह्मानिकल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अपने आप में वो इतनी अपहोल्ड कर चुका था ब्रह्मानिकल, जैसे आपने देखा कि प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर चीज़ें डेवलप कर रहा था। तो इसके साथ साथ आप क्या देख रहे थे कि हम देखते हैं कि वहाँ पे वर्ण सिस्टम आ गया, वर्ण सिस्टम जहाँ पे सबको इक्वल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में त्रिपिटक आ रहा है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों में हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, हमें देखते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की डेवलपमेंट हो रही थी, साथ ही साथ त्रिपिटक, अंग, पुराण, कैनानिकल, तो ये सब चीज़ें इसमें और के साथ डेवलप हो रही हैं। इन्होंने भी अपने टेक्स्ट लिखने लगे। पाली में हमें देखने को मिलते हैं, पाली एक भाषा है, पाली और प्राकृत क्या है, संस्कृत के साथ और दो भाषाएं थी पाली और प्राकृत, और ये लिखी किस में सब में जा रही थी, एक स्क्रिप्ट होती है दैट इज देवनागरी, पर देवनागरी में ही तब एक और स्क्रिप्ट हुआ करती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसमें लिखी जा रही थी। तो हम देख रहे हैं ये सारी डेवलपमेंट जिसके साथ साथ होती जा रही थी। दो डाउट कहीं ना कहीं में टेंशन देखने को मिलती हैं थ्योरी और प्रैक्टिस बुद्धिस्ट लिटरेचर की और धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र क्या है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके का ब्रह्मानिकल ट्रेडिशन होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बट बुद्धिस्ट लिटरेचर सबको बहुत ज़्यादा इससे लिबरेट कर रहे थे, जो भी इनमें लॉज बहुत ज़्यादा पॉइंजेंट हो चुके थे उसको मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। के साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल दो टाइप के टेक्स्ट मिलते हैं। कैनोनिकल जो बुद्धा धर्म खुद की तरफ से लिखे जा रहे हैं, नॉन कैनोनिकल जैसे एपिक्स हैं हमारे यहाँ की, फालतू की बातें हो रही हैं एक दूसरे से, पर बात धर्म की ही कर रहे हैं, मतलब दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे महाभारत में गीता है, ये सब आपका एग्जाम्पल है नॉन कैनोनिकल है, मतलब धर्म ने खोदने से पूरा प्रॉपर स्पेसिफिकली आपको एक सत्संग नहीं हो रहा, कोई सहमत नहीं हो रहा, बट बात उसी की हो रही है। तो ऐसे टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ है जैन के सेक्रेट टेक्स्ट। इस टाइम पीरियड पे हमें जैन सेक्रेट बुक्स भी देखने को मिलती है। जैनिज्म में हम देखेंगे सिद्धांत और अगम्स, जैनिज्म की ऐसी बहुत सारी किताबें थी जिसमें डेवलप हो रही है। तो जैन मोनास्टिक स्कूल की बेसिकली हम बात करें तो दो स्कूलों में डिवाइड किया गया, श्वेतांबर और दिगांबर। श्वेतांबर दैट इज अ वाइट क्लैड एंड दिगांबर मतलब दैट इज द दोज वर द वन
who actually followed, जिन्होंने खुद ने, दिगंबर वो थे जब जैनिज्म में दो सीक्रेट बुक्स में जैनिज्म में डिवीजन आता है, तो जैनिज्म के ये दिगंबर ने कहा कि हम तो जो एक्चुअल जैन धर्म है वो मानेंगे, और श्वेतांबर ने कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें क्या हुआ कि चेंजेस आने लगे इन्वायरमेंट के, तो हम दूसरी चीज़ों को स्पेस दे सकते हैं। लाइक श्वेतांबर्स में वुमेन आर समवेयर अलग, पर दिगंबर्स को नहीं है। छाया सूत्रस, मूल सूत्रस, नंदी सूत्रस, ऐसे आपको बहुत सारे टेक्स्ट देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो श्वेतांबर जो है वहाँ पे वो मानते हैं, जैसे एक काउंसिल हुई, दिगंबर्स ने कहा ये सबकी मिलकी हुई, उन्होंने सिर्फ उसको मांगा माना। पर दूसरी हम देखते हैं वल्लभी में हुई और देवऋषि क्षेमेंद्र के अंडर गुजरात में, और फिर 6th सेंचुरी में जब दूसरी काउंसिल हुई तो इन सब में ने श्वेतांबर्स ने माना और उसको और ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया गया जब श्वेतांबर के अंडर हुई। जैसे कैनोनिकल वहां पे थी और नॉन कैनोनिकल बुद्धिज्म में थे, वैसे हमें जैनिज्म में देखने को मिलते हैं। एक तो कैनोनिकल जो जो धर्म से निकल के आ रहे हैं जैनिज्म में, वैसे ही दूसरी तरफ जो है जैसे कि आप देखते हैं निरुक्तिस, भाष्यास, चूर्णिस, टीकास, वृत्तिस, अवचरणिस, ये सब लिखा जा रहा था। ये बेसिकली क्या है, जैसे अलग अलग तरीके हैं, चरितास भी थी, कोई मुनि हुए बहुत बड़े काम किए उन्होंने, उनके बारे में पूरी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट है वो लिखी जा रही है। देन हम देख रहे हैं प्रबंधास, बहुत सारे लिखे जा रहे थे पुराण से, इस टाइम पीरियड पर थे। तो कहीं ना कहीं जितने भी जैन टेक्स्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर, लिरिकल पोएट्री, ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। बात आती है इन सब चीज़ों में हिस्टोरियन का क्या रोल है, जैन लिटरेचर को समझने में ये सब चीज़ों में हिस्टोरियन का क्या रोल है। तो जैन लिटरेचर कहीं ना कहीं हमें क्या इनसाइट प्रोवाइड करता है, हिस्ट्री को क्या समझने, जैनिज्म की डॉक्यूमेंट्स समझते हैं, बट हमें समझ में आता है कि वो किस तरीके से मोनास्टिक कम्युनिटी में रह रहे थे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने से सभी धर्मों के सभी वर्णों के लोगों को स्पेस मिल गया था कि अब वो अपनी पोजिशन को ऊपर कर सकते हैं इन मोनास्टिक ऑर्डर, जो ये धर्मशाला या जो भी बनाएंगे उसके अंदर जाके। बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होंगे, तो अब हमें जब इनके टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इनके टेक्स्ट में पता चलता है कौन से रूल्स फॉलो हो रहे थे, क्या वो सही थे, क्या सोसाइटी में इक्वालिटी ला रहे थे। तो उसके अलग अलग कारणों, उसके अलग अलग पेचों का हमें समझ में आता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट हो रही थी संगम लिटरेचर की, ठीक है। ऊपर तो हमने देखा ब्रह्मानिकल में वेद पुराण धर्मशास्त्र, दूसरी तरफ बुद्धिज्म, तीसरी तरफ जैनिज्म। साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, साउथ इंडिया में हम देखते हैं चोलास, चेरास, पांडवास की कॉन्फेडरेसी थी, मतलब ये तीन एम्पायर्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंटली पहले रूल करते थे। फिर हम देखेंगे कुछ टाइम बाद इनका क्या आता है, कालाभार्स आ जाते हैं, ये एक ट्राइबल पीपल होते हैं, ये लोग रूल करना शुरू कर देते हैं, इन तीनों को हरा देंगे। फिर जब गुप्ता पीरियड के टाइम के समय में ले ऑफ लेट हम देखते हैं ये दोबारा इमर्ज होंगे, जब फिर 12वीं शताब्दी तक चोलास, चेरास, पांड्यास फिर से डायनेस्टीज बन के आते हैं, ठीक है। ये तो एक बात रही, बट इसके टाइम के टाइम पे होते होते हमने शुरुआत में पहले जब वीडियो शुरू की थी तो बात की थी तोलकपियाम के बारे में, कि तोलकपियाम एक टेक्स्ट है जो लिखा गया था जिस तरीके से पद्मिनी की अष्टाध्यायी लिखी गई थी, वो भी संगम पीरियड में लिखा गया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी एपिक्स, जैसे शिल्पदिकम, मणिमेकलाई, ये क्या है, ये एपिक्स है जिस तरीके की हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रामायण और महाभारत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब के अलावा पोएम्स लिखी जा रही थी, ऑलमोस्ट 2381 पोएम्स थी, 30 जिसमें डायरेक्टली वुमेन को डिवोट करती थी। अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग हमें एथनोलॉजीज देखने को मिलती है। और तमिल वर्क्स की बात करें तो तिरुवल्लुवर, तिरुकाल, 5th सेंचुरी, शिल्पदिकम, मणिमेकलाई, अय्यर, ठीक है। देन आपको राम और महाभारत के तमिल वर्जन मिल जाएंगे, कंबन की इरात, इराम वतराम। देन हमें ऐसे बहुत सारे पोएट्रीज मिल जाएंगी, कलम पक्कस, कोवई, ऊला, टूटू पोएट्री, उसकी साधना की। तो ये साथ में जब 6th और 12th सेंचुरी में भक्ति पीरियड आ जाता है, यहाँ पे संगम पीरियड में लोग विष्णु और शिव की बहुत जोरों शोरों से उस पर भक्ति करते हैं, बहुत सारे भक्त हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भक्ति में इन्वॉल्व हो रहे थे, इंडल्ज हो रहे थे अल्वर्स और नेनर्स, ये सब के में हम सब देखते हैं टेक्स्ट में एक कंपाइल्ड होके देखने को मिलते हैं। सो तमिल वर्क में बहुत लंबी चीज़ थी, एक तो शुरुआत में हम बात करें संगम के बाद लेटर तमिल वर्क में भी बहुत लंबी पोइट्री, पोएम्स, अलग अलग लेवल्स के, और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया से अवेयर नहीं थे, नॉर्थ इंडिया से अवेयर थे और उनकी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब साउथ इंडिया में सिर्फ तमिल नहीं था,
तमिल के साथ साथ आपको कौन सी दिखती है, कन्नड़ लिटरेचर का भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सबसे पुरानी अगर हम कन्नड़ लिटरेचर देखें तो कवि राजा मार्ग, कवियों का राजा का मार्ग हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से हमें अर्लीस्ट रेफरेंसेस मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, जहाँ पे मीन्स राइटर्स हुए 9th सेंचुरी से। जैनिज्म का सबसे बड़ी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पीरियड में ना ऐसे पोएट्स हुए, राजाओं के पोएट्स, उन्होंने बहुत तरीके से लिखा, पंपा पूना और अन्ना। ऐसे में एक थे पंपा ने आदि पुराण लिखा विक्रमादित्य विक्रमार्जुनादित्य के लिए, चामुंड राय ने त्रिशिष्टि कला महापुराण, ये बेसिकली क्या है त्रिशिष्टि कला महापुराण, दैट इज 24 महावीर जैनों के सेंट के बारे में, नागचंद्र रामचंद्र पुराण, नेमिनाथ लीलावती। तो कितने सारे आप देखेंगे टेक्स्ट की डेवलपमेंट हो रही थी, और ये सब टेक्स्ट क्या थे, अलग अलग लेवल अलग अलग चीज़ों पे इनकी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फिर कन्नड़ के बाद आपको देखने को मिलेगा तेलुगु। तेलुगु क्या था, तेलुगु का अनदर लिटरेचर है, 5th-6th सेंचुरी CE में हमें डेवलपमेंट दिख रही है। अर्ली सर्वाइविंग अगर हम देखें तेलुगु लिटरेचर वर्क की, दैट इज़ ननाया। ननाया का 11th सेंचुरी का काम है, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2.5 जो बुक्स है वो महाभारत की बेस पे है, और उसमें इसके बाद उन्होंने तेलुगु की अपनी पोएट्री निकाल दी। तो कुछ ऐसी बातें नहीं है, अगेन देखो ऐसा भी कन्नड़ में भी डेवलपमेंट हो रही है, तेलुगु में भी हो रही है, ये सब चीज़ें अपनी 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 चीज़ें। अब नाने छोड़ है, नाने छोड़ने क्या किया, कुमार संभव लिखी है, कुमार संभव संस्कृत में भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे अलग तरीके से लिखी गई है। सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें इस टाइम पीरियड पे हो रही थी। साथ ही साथ हम एक पर बात करें एंशियंट टेक्स्ट बायोग्राफीज और हिस्ट्रीज की। सबसे इंपॉर्टेंट है नोटेबल संस्कृत प्ले राइट्स की बात करें तो अश्वघोष, भास, कालिदास, ये सबका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। धर्म लाइक विशाख दत्त की मुद्राक्ष, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, ये सब स्टोरीज भी लिखी जा रही है। पंचतंत्र जैसी स्टोरी जो आज बच्चों को हम सुनाते हैं वो सारी स्टोरीज भी आ रही थी, कालिदास के काव्य वो सारी स्टोरीज। तो न्यूमरस हम ऐसे फिलोसफिकल टेक्स्ट दिखते हैं, फिलोसफिकल स्कूल्स है, दर्शनाज है जहाँ पे लोग डिबेट कर रहे हैं, बायोग्राफीज लिख रहे हैं, उनकी हिस्ट्रीज लिख रहे हैं। सो इतने लेंथी टेक्स्ट ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट आपको पता चल गया कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज थे एंड कमेंडेबल। आपको जब भी इसके ऊपर सवाल आएगा, जितना एक PPT में दिया हुआ है ना वो इनफ है, पहली बात। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब में से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, PPT खरीद लीजिए, इतना ही इनफ है। पर आपको लगता है इसके बावजूद कि कम है, वैसे तो ऐसा है नहीं, आई एम एडिंग सम हिस्टोरियोग्राफी एज़ वेल, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैंने किस तरीके से इतिहासकार देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर्स में लिखना, उसको भी देख लीजिएगा। एम्बेडेड वर्सेस एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री। एम्बेडेड हिस्ट्री क्या होती है, ये हिस्टोरिकल कंपोजिशन होती है जहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, मतलब आपको हिस्ट्री जो होगी वो सामने इस रूप में नहीं होगी, जस्ट लाइक मिथ्स है, आप जेनीलॉजीज देख लीजिए, एपिक्स देख लीजिए, एक्सटर्नलाइज देख लीजिए जब आपको सामने से हिस्ट्री देखने को मिलेगी। भानुभट्ट की अष्टचरित्र सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बायोग्राफी है इंडिया में, जो हमें बताती है, इनसाइट देती है हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बारे में। ऐसी बायोग्राफी है, ये स्पेसिफिकली फोकस केस करती है भानुभट्ट एज अ पेट्रन, कि भानुभट्ट किस तरीके से हर्ष, किस तरीके से कोई बुक है उसको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी एक प्रशस्ति है। हाँ, भानुभट्ट इसको एक आख्यायिका समझाते हैं, जैसे कि आख्यायिका क्या होती है, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, बोल के सुना रहे हो, तो इसमें आपको बहुत सारे एलिगेंट पैसेजेस मिलते हैं जिसमें वो किंग को प्रेज करते हैं। That's a somehow a mastery of Sanskrit prose, but अलग अलग आपको एक historical text हमें देखने को मिलता है। Completeless पे भी मतलब कई लोग ऐसा भी है कि माना जाता है, कई बार टेक्स्ट ऐसा होता है कहते हैं पूरा ही नहीं, अधूरा ही छोड़ दिया। जैसे VS पाठक है, वो कहते हैं कि हाँ ये कम्प्लीट है, पर बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कम्प्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्ष ने राजश्री को बचाने के लिए गए, उसके बाद हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये पूरी एक स्टोरी नहीं बनती। बट सिम्बॉलिकली हम देख रहे हैं कि जब ये स्पार्टा कहते हैं कि राजश्री को बचाने तक ही लिखी गई होगी। क्यों? क्योंकि राजश्री को बचाने का एक्चुअली मतलब है कि आपने अपने राज्य को बचा लिया, और सबसे बड़ी बात आपने एक सबसे अच्छी कंक्लूजन क्या होगा कि आपने अपने राज्य को अच्छे से बचा लिया। तो इसी तरीके की हमें एक संपूर्णता के ऊपर भी सवाल और चीज़ें देखने को मिलती।
एविडेंसेस की बात करते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस। अभी हमने बात की आख्यायिका है, ऐसे ही हमें और भी लिटरेरी टेक्स्ट हैं, जैसे दानस्तुतीज, गाथाज, नरमचंदसीज, आख्यांश, ये सब भी इस टाइम पीरियड पे हो रही थी। ये क्या आती थी कि गाथाज, बड़ी बड़ी बातें, जो एक इट्स लाइक अ प्रशस्ति, दानस्तुतीज, क्या क्या दान कर रहा है राजा, आख्यान की क्या क्या उसकी वो डोनेशंस कर रहा है उन सबको, तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, ये लिखी जा रही थी। और एक दुनिया लोगों तक पहुंचती कैसे थी, सुनाता कौन था ये सब, मतलब मेरी तारीफ होगी तो मुझे कोई तारीफ करने वाला भी तो चाहिए, तारीफ पे लिख के मैं किताब में रखना भी तो नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं इस टाइम पीरियड पे बार्ड्स हुआ करते थे, बार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन रोल प्ले करने का। साथ ही साथ आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलता है, दीपवंसा और महावंसा। दीपवंसा क्या है, महावंसा कहीं ना कहीं ये श्रीलंका में लिखे जा रहे थे, जो बुद्धिज्म में किस तरीके से स्प्रेड किए गए दीप के बारे में, दीप वंशा और महावंशा। सो साथ ही साथ ऐसा नहीं है, और भी लोग थे, बाहर के लोग भी आके लिख रहे थे, जुंगजांग और फाइयांग चाइनीज ट्रैवलर्स होते हैं, बुद्धिज्म को फैलाने और बुद्धिज्म को समझने के लिए यहाँ पे आए थे, तो वो उसकी वहाँ पर टेक्स्ट लेने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं इंटरपोलेटिव रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ मॉडर्न वर्सेस एंशियंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, लाइक अब इस टाइम पीरियड पे न्यू हिस्टोरियल्स, न्यू नोशंस आने लगे, न्यू डिसिप्लिन की डेवलपमेंट शुरू होने लगी। लाइक क्यों, क्योंकि जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे उपेंद्र सिंह बात करती है, इतिहास क्या क्या कर रहा है, अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर देता है सोर्सेज को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। हमने तो कर दिया, बट क्या वो उसी लाइन में, उसी कैटेगरी में फॉल करने के लायक हैं भी, तो उसके कारण हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉरेन अकाउंट्स में सिर्फ फाइयान और जुमजांग नहीं आते, और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो आ रहे थे। दैट इज इंडिका सिर्फ मेगास्थनीज ने नहीं लिखी, उससे पहले किटासस इंडिका हम देखते हैं 4th century BC में लिखी गई थी, मेगास्थनीज की इंडिका, उसके साथ सब एजेंस ट्रावो फिंगल्ड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियल, ये सब ने हमारे देखते हैं स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के बारे में लिखना शुरू किया, फॉरन ट्रैवलर्स के बारे में लिखना शुरू किया। बहुत सारे चाइनीज मॉन्क्स भी बात करते हैं बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स की, बुद्धिस्ट जर्नीज के बारे में। प्रोमिनेंट इसमें हम देख रहे हैं चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे हैं फाइयान, जूजान, यीजिंग, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, चीज़ें यहाँ पे आके लिख रहे थे, चाइनीज थे और बुद्धिज्म को स्प्रेड करने आए थे, उसको समझने आए थे, उन्होंने बुद्धिज्म को ही नहीं लिखा। फाई जुमजांग जो है वो बहुत टाइम हर्ष के कोर्ट में रहते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं, फाई एंड शुंग कम्युनिटी के अराउंड लिख रहे हैं, तो जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं वो सब चीज़ें बात करते हैं आसपास की होने की। सिर्फ यही नहीं थे, चाइना से नहीं और भी कंट्रीज से आ रहे थे, लाइक आपको देखने को मिलते हैं इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने के लिए। अल ममून ने किताब लिखी बेयत अल हकीम, ये बगदाद से आए थे, फिर उन्होंने संस्कृत, ग्रीक, पर्शियन के बारे में लिख रहे थे, ठीक है। एल्ब्रूनी ने तहकीके हिंद, गुप्त एरा की से शुरुआत करते हैं और 11th century तक बताते हैं, गुप्त एरा की डेटिंग हमें पता ही ना चले कि गुप्त एम्पायर कब आया था, हमें स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक डेट्स देखे जाते हैं, 319 to 320 CE में शुरू हुआ। साथ ही साथ यही ख़त्म नहीं होता, चाँचनामा, शाहनामा और फिरोडसी, गुलिस्तान बाय सादी, तो ये सभी हमें ट्रेड, कल्चर, हिस्ट्री के बारे में पर्शियन अकाउंट्स हैं जो बताते हैं। तो ऑल टुगेदर डेवलपमेंट्स हो रही थी जिसमें हमें सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ अभी तो ये हमने बात की लिखित स्रोत क्या थे, लिखित में आपने बात की हमारे भी थे, बाहर से भी लिखे गए, ये सबका कॉम्बिनेशन था, इसको अटेस्ट किया ऐसे किया जाएगा लिखित जो सच है या गलत है, उसके लिए हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं पुरातत्व। आपने मेरे को बताया कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी, ऐसी ऐसी पॉटरी यूज हो रही थी, बट मुझे इसका प्रूफ किया कि ऐसी हो रही थी, और जब तक मैं देखूंगी नहीं, मैं इसको विजुलाइज नहीं कर सकती ना संभव, जितना भी मैं तुम्हें पढ़ा लूँ, बट अगर मैं कोई बेटर ऑप्शन दूंगी कि अगर मैं तुम्हें विजुअल से प्रेजेंट करूंगी, पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो मैं समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ होगी। जैसे अभी हमने लैंग्वेज की बात की थी पहले, तो लैंग्वेज में चार्ट दिखाए तो ज़्यादा बेटर हेल्प आउट किया, वैसे ही अगर तुमने पॉटरी की बात कर रहे हो, असेंबलेज की बात कर रहे हो, टूल्स हमने बात किया इस तरीके के टूल्स होते थे, और कुछ टाइम पीरियड ऐसे प्री हिस्ट्री पीरियड है दैट इज स्टोन एज है, उसके बारे में तो कोई टूल्स ही नहीं है, उसके बारे में तो सॉरी कोई लिटरेरी एविडेंस ही नहीं है, लोगों ने लिखना पढ़ना ही नहीं सीखा था, उसमें क्या करेंगे। हरप्पा सिविलाइजेशन भी हमारा बेसिकली आर्कियोलॉजिकल स्रोतों पे एविडेंसेस पे ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी कंटेक्स्ट इंटरप्रिटेट कर रहे हैं में, कि हम उसे कंटेक्स्ट में देखें वो किस समय कैसे डेवलप हो रही थी।
इसके बाद जो चीज आती है दैट इज फील्ड आर्कियोलॉजी। हमने बात की आर्कियोलॉजी पुरातत्व जो ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, पर बात आती है यार ये अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई एंशियंट साइट थी, वो तो दब गई दफना दी गई, पूरे अर्थ में कुछ ना कुछ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। दैट कम्स आउट इन फील्ड आर्कियोलॉजी। फील्ड आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि आप ये लोग खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ उनको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। बाई चांस वो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जैसे लैंडसैट इमेजरी, और प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसी बरिड साइट्स हैं, कौन सी चीज़ें थी, तो उससे पता चलेगा कि सैटेलाइट से इमेजेस निकालेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ दफनाया हुआ है। बट इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बेसिकली मटेरियल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जैसे स्टोन थे, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो दब ना दिए गए, अर्थ को एक आया तो वो दब के चले गए, तो उसके लिए तरीका क्या होता है, एक्सकवेशन और स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, हम उसको खुदाई करेंगे, पर खुदाई करने की भी ऐसा होगा कि लेयर बाय लेयर हम खुदाई करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन हर एक लेयर पे हम खुदाई करेंगे और उसी का नतीजे हमें चीज़ें प्रॉपर मिलती जाएगी। तो पुरातत्व के में ये सारी चीज़ें हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल बढ़ती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं मरीन एंड अंडर वाटर आर्कियोलॉजी आती है। मरीन एंड अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में जब हम कहते हैं ना कि द्वारका, द्वारका के एक्चुअल में हमें एविडेंसेस मिलते हैं, द्वारका पूरी की पूरी नगरी आपको डूबी हुई हमें मिली है, एक बेड द्वारका गुजरात में 1500 BC हम इसकी डेट्स मानते हैं। तो इस चीज़ से प्रूव होता है कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की भी अब देखो चीज़ें हैं, जैसे हम दफनाई हुई चीज़ें हमें और ये डूबी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स इस वक्त C14 के बारे में हम जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डेटिंग मेथड्स हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं और डेटिंग एनालिसिस होगा। नो डाउट जैसे कि कुछ हमें केमिकल एनालिसिस हम देख रहे हैं पॉटरी का, तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये केमिकल एनालिसिस करने से मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली अब क्या होता है, अगर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, चुनार एक है बिहार और यूपी में, एक प्रॉपर स्टोन क्वेरी है जहाँ से स्टोन लेते थे, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ऑक कलर पॉटरी मिलती है, तो वहाँ पे जैसी मिट्टी में होगी अब वैसी तो क्लेम ना होगी, तो वहाँ से पकड़ लेंगी वहाँ कहाँ से बनी है, जहाँ मिली है और कहाँ से बनी है, ये दोनों पता लगते हैं। फिर उसकी बात आती है कि किस तरीके से हैंडक्राफ्टेड हुई है, उसका कल्चर क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें चीज़ें पता चल रही है। फिर एक आता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, हमें कंकाल मिलते हैं, स्केलेटन मिलते हैं, बोन्स, हम उसको डेट कर लेते हैं C14, तो जितना भी कार्बन कंटेंट आपका अवेलेबल होगा उस स्केलेटन में तो हमें उससे अंदाज़ा हो सकता है, प्रॉपर कुछ भी नहीं होता ये चीज़ हमेशा रखना, हिस्ट्री में कुछ प्रॉपर नहीं होता, हमें बस कुछ अंदाज़ा मिल सकता है कि कब कितना डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद और मेथड्स आती हैं आर्कियोमेट्री और केमिकल एनालिसिस, डीकम्पोजिशन हम देख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, नाइट्रोजन कंटेंट, मतलब ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स को अब क्रॉप्स तो हमें नहीं मिलेगी, बट कई बार क्या होता है कि कुछ सीड्स दफनाए रह जाते हैं, तो वो जो सीड्स मिलते हैं उसका भी आपका नाइट्रोजन कंटेंट या आपने किसी के इट्स लाइक स्टूल जो पॉटी है हॉर्स की वो दफनाई रहेगी तो उसमें नाइट्रोजन क्रिएट हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल एनालिसिस से कुछ उसकी चीज़ों से पता चल सकता है कि वो कितनी पुरानी। देन वी हैव पेरेंटोलॉजी, ये एक अनदर मेथड है। इसमें क्या होता है पेरेंटोलॉजी में जैसे कि कोई फॉनल, बेसिकली फ्लोरा इज प्लांट्स एंड फौना इज एनिमल्स, तो फॉनल मतलब जितने भी फिश बोन्स हैं जैसे कि मैंने बात की, तो इन सब का ही एनालिसिस करने में मदद करती है। फिर ह्यूमन बोन्स और टीथ, तो देर इज अनदर मेथड डेट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन डेटिंग, यहाँ पे आपकी क्या करेंगे बोन्स का डेट किया जाता है, बोन्स को किस, क्योंकि बोन में भी अपने इंपॉर्टेंट मेथड्स है। इसमें क्या होता है कि इतना सारा ना कार्बन रह जाता है, कार्बन के साथ साथ आप देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं तरीके से इन्वायरमेंट, अब आपने बात की कि एनिमल्स की आप डेट कर रहे हो, ह्यूमंस को आपने डेट कर लिया, बोन्स टीथ की किस तरीके का खाना खा रहे थे, अगर ज़्यादा आप मतलब तीखा और ऐसे कि आप लोग काफ़ी हार्ड चीज़ें खाओगे तो इन्हीं कई कारण बनेंगे, तो यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट आर्कियोलॉजी, तो ये सब डेटिंग मेथड्स हमें इसी का ही ओवरव्यू देते हैं। अब आपने डेटिंग कर ली, बट अब डेटिंग करने के बाद सबसे बड़ी बात आती है आर्कियोलॉजी में भी ना कहीं वेव्स आए, एक आती है प्रोसेसिंग, एक होता है पोस्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी में भी अलग अलग डेट्स में आई, प्रोसेसिंग में होगा जब आपको फर्स्ट हैंड डेटिंग है
कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को डेट किया, आप मतलब आपको कुछ भी हुआ आपने उसी को इंटरप्रिटेशन दे दी, मतलब आपने एक ग्लास देखा, अपने ग्लास के हिसाब से ही जो आपको लगा, आपको जहाँ मिला, आपने सब कुछ उसकी पैमाने देखी, सब कुछ किया, उसको डेट करके स्पेसिफिकली उसकी ऊपर आपने बता दिया कि इतिहासकार ने की क्या है। पर कई बार इतिहास क्या क्या करते हैं, चीज़ों को मिलाते हैं, उसको हमने देखा पोस्ट प्रोसेस हुआ कि आपने ग्लास देखा, ग्लास को आपने पीने वाले को देखा, ग्लास को यूज़ करने वाले को देखा, आपने और देखा कि किसी और किसी टेक्स्ट में तो कुछ नहीं लिखा, तो अलग अलग चीज़ों को आपने इवैल्यूएट करके देखा और तब आपको समझ में आया कि ये उस ग्लास की क्या वैल्यू है, तो वो अलग वेरिएशन होगा। इसी में हम चीज़ें देख रहे हैं, ये पुरातत्व की अलग अलग व्याख्याओं का इमर्जेंस होता है, बट ये नए इंटरप्रिटेशन के कारण बने। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, ये सब भी चीज़ें होती हैं। लाइक हमने क्या बात की कि अलग अलग तरीकों से भी देखा जा रहा है, जैसे इतिहासकार है, इतिहासकार क्या करेगा कि कोई भी चीज़ देखेगा ना, तो वो उसे अलग अलग हमने देखा था पैमाने पे देख रहा है, तो इसी में ही ये चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल क्या आ रहा था कि देखो ना, लाइक देयर इज स्पेसिफिकली कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी रिलीजन, हर्बन सिविलाइजेशन की बात करें तो एक प्रोटो शिवा सीन होती है, तो हम कहीं ना कहीं वो एक रिलीजन की तौर से देख रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनका कैसा इंटेलेक्ट था, कैसा दिमाग था, हम प्रीस्ट किंग देख रहे हैं तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं, तो हर एक आर्कियोलॉजिकल का मेथड उसी चीज़ में रहता है। बट आखिरकार आप हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल भी नहीं रह सकते ना, लिटरेरी एक्चुअल हिस्ट्री तो इसीलिए कहीं बना ही नहीं सकता ना। आज भी क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, हर एक जगह पर मैप थोड़ी ना कर सकते कि लोकल कैसे रह रहे थे, अपर कैसे रह रहे थे, हम इसके एक आइडिया ले सकते हैं। उसी तरीके से ये भी एक हम नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। फिर अब एक और आर्कियोलॉजी भी हमने बात की थी, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, रिलीजन आर्कियोलॉजी, एक होती है एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी मतलब हमारा एथनिक कल्चर क्या, हमारा रहन सहन का उस टाइम पर क्या था, क्राफ्ट पर्सन कैसे काम कर रहे थे, खाना कैसे खा रहे थे। फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डैट वी शुड ट्राई टू फिल दी हिस्टोरिकल साइंसेस। अभी हमने बात की कि बहुत सारी क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही थी, पर इन सबका क्या फर्दर इंटर रिलेशन हो रहा था। सो इसी में हमें देखने को मिलता है पॉटरी ट्रेडिशन इन गुडियाली एंड लोदई। ये दो साइट्स हैं जहाँ पे आपको हम देखते हैं कि बहुत सारे हमें फार्मर्स लेबरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज भी वो पॉटरी साइट्स हैं, मीन्स आज भी, और उनकी से हमने देखा कि किस तरीके की पॉटरीज बनाई जा रही हैं, किस तरीके की वेसल्स बनाए जा रहे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की उसी तरीके से और भी बनाई गई होंगी। तो ऐसे भी एग्जांपल्स हम कैसे एथनो आर्कियोलॉजी में डेवलप करेंगे, पहले हम आज को देखेंगे और फिर हम पास्ट को देखेंगे, यही एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। बिकॉज आज अगर आप ग्लास में पानी पी रहे हो तो पहले भी उन्होंने कोई लोटा या कोई चीज़ वैसे ही पहले बनाई होगी। देन वी वर ठीक है, ये सब आर्कियोलॉजी तो है। एक आती है सैल्वेज आर्कियोलॉजी। इसमें क्या है, जैसे नागार्जुन सागर डैम क्या हुआ बना, उसकी जब कंस्ट्रक्शन बट उसे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का नुकसान हुई। तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी में कुछ ऐसी साइट्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, एनिमल स्पीशीज इंडेंजर्ड नहीं है, ये भी इंडेंजर्ड है, इनको बचाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके स्पेसिफिक चीज़ों को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो ठीक है, हमने भी बहुत सारा आर्कियोलॉजी पढ़ी। अब बात आती है एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, इंस्क्रिप्शन की स्टडीज। हमें बहुत सारे शिलालेख पत्थरों पे लिखे हुए मिल रहे हैं, हमें अशोक के स्तंभ दिल्ली में बहुत सारे मिल रहे हैं, और पत्थर भी कुछ भी इनग्रेव्ड, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मतलब छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदते थे ना तो भी कॉपर प्लेट पे लिखते रहते थे। अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने ना NCERT में बहुत बार पढ़ रहा था प्रभावती गुप्ता का इंस्क्रिप्शन, तो वो भी लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, अगर कॉपर प्लेट पे लिखा है, गोल्ड प्लेट पे लिखा है, तो ऑब्वियसली मेरी बात अनरिस्ड है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं ये सब चीज़ें लिख रही हूँ। हमें ऐसी ही चीज़ें अर्ली जो इंस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलती है बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स में। उन्होंने अगर हम देखें बारूद जैसी साइड देखें, अमरावती देखें, तो वहाँ पे जातक स्टोरीज बनी है और उनको नीचे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया कि वो कौन सा जातक है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देन बेसिकली तीन टाइप की हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लोगोग्राफिक, सैलेबिक और अल्फाबेटिक। लोगोग्राफिक जहाँ पे हर एक कोई भी अपनी कोई चीज़ बनाई वो एक वर्ड होगा, सैलेबिक कोई सैलेबल प्रेजेंट करता होगा, और अल्फाबेटिक जहाँ पे हर एक जो वो होगा वो उसकी कोई साउंड दिखाता होगा। फिर दो लैंग्वेजेज हैं ब्राह्मी और खारोष्टी। ब्राह्मी और खारोष्टी में क्या होगा कि ये भी सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और खारोष्टी हम देखते हैं अलग स्क्रिप्ट है जो इस टाइम पे यूज हो रही थी।
यही अब देखिए ऐसे ही हम देख रहे हैं हिंदी में भी ये चीज अवेलेबल थी। स्क्रिप्ट की ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं, खारोष्टि की बात करो या ब्राह्मी की बात करो, हमें कुछ नहीं पता कि कब हुई कैसे मर्ज हुई। ठीक है, ब्राह्मी की जो बात करते हैं डीसी सरकार बेसिकली कहते हैं तीन मूवमेंट्स आए थे। पहला मूवमेंट आता है जब नॉर्थ इंडिया में 3rd century BC to 1st century BC आता है। सेकेंड आता है मिडल ब्राह्मी जब आते हैं 1st century BC to 3rd century CE। और तीसरा लेट ब्राह्मी जब गुप्ता वाला पीरियड आता है 4th to 6th हर्ष वाला। सो हर एक टाइम पे ब्राह्मी लैंग्वेज स्क्रिप्ट तो रही बट उसमें अलग अलग चेंजेस आते रहे। जैसे आज हमारे पास इंग्लिश हो तो इंग्लिश कभी कर्सिव हो गई, कभी उसके अलग अलग पैरल बन चुके हैं। साउथ इंडिया में भी हमें तमिल ब्राह्मी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमें दो दो भाषाएं देखने को मिल रही है। सो हर एक चीज़ में हम देख रहे हैं इसमें डेवलपमेंट का चेंजेस आ रहे थे। अब हम देखते हैं ऐसा नहीं था, एक चीज यही नहीं थी, और भी सारी चीजें हो रही थी। साथ साथ ही आप देखें लैंग्वेज एंड एवोल्यूशन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इवन इंस्क्रिप्शन में भी चेंजेस आ रहे थे। लाइक आप देखेंगे कि एपिग्राफ्स तो थे ही थे बट ऐसे ही मतलब पहले क्या था, एक ही लैंग्वेज लिखा जाते थे, फिर दो लैंग्वेजेस दो स्क्रिप्टों में लिखा जाना शुरू हुआ कि जो एक नहीं पढ़ सकते वो दूसरी। और कई बार ऐसा होता है जैसे संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो बड़ी रिकॉग्नाइज्ड है, सब उसको मानते हैं, तो सबसे पहले उसको लिखना, फिर सब संस्कृत नहीं जानते, लोकल पॉपुलेशन तो नहीं जानती, वो तो नेटिव लैंग्वेज में बात करती है, जैसे तमिल इंस्क्रिप्शन की बात करें तो फिर तमिल में लिख दिया गया। तो दैट इज़ द थिंग। आज भी आप देखोगे तो रोड्स पे आप जाएंगे ना तो रोड पे कोई भी मार्क लिखा होता है ना तो ऑलमोस्ट 3 या 4 लैंग्वेजेस में लिखा होता है, बट फर्स्ट इज इंग्लिश, फर्स्ट इज हिंदी। सो यही चीज़ है कि हम लोगों को जो आती है, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती, तो उन लोगों के लिए दिस इज अ टाइम ऑफ हम देखते हैं कि एक चीज़ का चेंजेस आते। अब क्या सारे इंस्क्रिप्शन पढ़ी गई? नो, कई सारी हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। पहले तो ब्राह्मी पढ़ी गई थी 1837 में, जेम्स फ्रेंसिस आते हैं उन्होंने जाके पढ़ी। तो ऐसा नहीं, इट्स वी आर इवॉल्विंग। हरप्पा सिविलाइजेशन की आज तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रू टू हिस्टोरिक पीरियड, जो आपके सिलेबस में है और हम करेंगे। फिर लैंग्वेज शिफ्ट भी दिखते हैं, पहले तो ब्राह्मी थी ठीक है और बोर्ड प्राकृत थे, बट प्राकृत से हम धीरे धीरे देखते हैं कौन सी लैंग्वेज में जाता है, संस्कृत में। लोग संस्कृत बोलना शुरू कर देते हैं और संस्कृत एक प्रोमिनेंट भाषा बन जाती है। पहले कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की थी, सिर्फ अपर क्लास बोल रही थी, धीरे धीरे सब लोग बोलने लग जाते हैं। बट वन मोर थिंग, जैसे हम गुप्त एम्पायर का एंड होता है ना, आप लोगों को पता होगा गुप्ता पीरियड के बाद कोई भी पैन इंडियन एम्पायर नहीं आता दिल्ली सल्तनत तक, बट अलग 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 हर्ष के बाद जैसे एम्पायर में डिटेन होता है, एक अगली मिडिवल का स्टेट शुरू होता है जब छोटी छोटी डायनेस्टी आ रहे थे, पल्लवाज, राष्ट्रकूटास, गुजरपतियारस। तो जितनी भी डायनेस्टीज थी सब ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस, अपने अपने इंस्क्रिप्शन शुरू करे। 6th-7th century में हमें पल्लवाज, राष्ट्रकूटास, पालास, बंगाली में इंस्क्रिप्शन, तो ऐसे हमें रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। मॉडर्न डे हम देखते हैं इवन इंडियन लैंग्वेज मॉडर्न डे में भी ऐसे हैं जो हमें आज की लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं, जैसे उड़िया का इंस्क्रिप्शन मिल रहा है 11th century में, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, गुजराती में, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो इस टाइम पीरियड पे हो रहे थे। इंस्क्रिप्शंस को क्लासीफाई जब हम करते हैं तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं कि वो किस पर्पज से लिखे गए। लाइक कोई होगा डोनेटिव तो मतलब डोनेशंस के लिए है, कोई होगा कमेमोरेटिव किसी को याद की, किसी की याद में लिखे हैं, किसी की याद में कोई चीज़ बनवाई है तो वो, कोई होगा कि आपको कोई प्रशस्ति है, कोई तारीफों की तारीफ है तो वैसे, और कुछ ऐसे होते हैं जिस मिसलेनियस ऐसी ग्राफिटी है, ड्राइंग हो रही है, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम के लिए, कोई इंपॉर्टेंट फिगर है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस को डिवाइड करते हैं। बट अब फ़ायदा क्या है, ये कैसे स्रोत कैसे हैं, ये स्रोत ऐसे हैं, ये हमें बताते हैं कि कैसे कौन सी रॉयल डायनेस्टी थी, सोसाइटी थी, वो कितना लिख पढ़ रहे थे, वो किस तरीके से अपनी बात को रखते थे, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सब कुछ हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता लग जाता है। बट हमें समझना पड़ेगा कि वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहासकार के लिए कि किस समय पे वो कैसा और क्यों लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टडी आती है, दैट इज न्यूमिस्मैटिक स्टडी। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब कॉइंस की स्टडी। अब ऐसा तो नहीं था कि सिक्के नहीं थे, सिक्के हम देखते हैं जब कुशानास का डायनेस्टी आती है अशोक पीरियड के डिक्लाइन के बाद, सिक्कों का बहुत यूज होता है। पहले तो आपको पता है बार्टर सिस्टम था, जो भी चीज़ थी वो एक्सचेंज करते थे, बट बाय द टाइम करेंसी इंट्रोड्यूस होती है तो हम देखते हैं गोल्ड और सिल्वर एलॉयज को मिला के शुरुआत में
स्पेसिफिकली जो हमें पहले कॉइन्स मिलते हैं वो वेस्ट एशिया में एक छोटी सी जगह है लीडिया, वहाँ से मिलते हैं। बट उसके बाद धीरे 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 इस पूरी मेट्रोलॉजी की स्टडी बढ़ती जाती है। मेट्रोलॉजी क्या होती है, जब कॉइन्स को वेट करते हैं तो कौन सा भारी है कौन सा कम है, ऐसी कॉइन्स ही प्रॉपर हम देख रहे हैं, हमें कारखाने जहाँ पे कॉइन्स डेवलप हो रहे हैं वो सब कुछ हमें यहाँ पे एविडेंट देखने को मिलते हैं। सो उसके बाद अब ठीक है, कॉइन्स उन्होंने बना दिए, उन्होंने कॉइन्स यूज कर लिए, हम लोग कैसे पढ़े, हमारा स्रोत कैसे, हम कॉइन्स को देखते हैं, हम उनकी देखते हैं। पहली बात, जो कॉइन्स कई बार ऐसा भी होगा जो होल्डिंग कर ली गई होगी, छुपा के रख ली, कभी यूज ही नहीं किए, और कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अचार व्यापार और इन सब में आगे बढ़ते गए, तो हम देखेंगे कि उस कॉइन्स का बेसिकली पर्पस क्या है, यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, तो कौन से कहाँ यूज़ हो रहे थे, तो इससे भी पता चलता है कि कौन सी इकोनॉमी में यूज़ हो रहे थे और कहाँ नहीं हो रहे थे। अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो पहले सबसे पहले कॉइन्स को वेट भी किया जाता था कि एक जो कॉइन होगा ना वो एक रत्ती एक सीड होता है उसके बराबर होगा। आफ्टर दैट धीरे 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 कॉइन्स का भी चेंजेस होते गए, हर एक डायनेस्टी ने अपने हिसाब से कॉइन्स किए। सबसे पहले जो कॉइन्स में इंडिया में प्रिवेल किए दैट इज पंच मार्क कॉइन्स, पांच निशान होते थे, सॉरी पांच निशानी स्पेसिफिकली पंच किया जाता था, मतलब कोई भी जैसे हाथी बना देंगे, घोड़ा बना देंगे, लोटस बना देंगे, जो भी वो फर्टिलिटी जो भी वो सिंबल इंपॉर्टेंट मानते थे उसको बना के सिक्के पे मिल्ट करके आगे सर्कुलेट कर रहे थे। बाय द टाइम हम देखते हैं चेंजेस आते रहेंगे, सबसे पहले जो ये पंच मार्क कॉइन्स है ना वो वहाँ पे टेक्सटाइल जो नॉर्थ वेस्ट जितनी भी हमारी इंडिया है टेक्सटाइल गांधार अवंती में से देखने को मिलते हैं। बाय द टाइम ये सब बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी में इंडो ग्रीक कॉइन्स इंट्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर कुशांस सबसे इंपॉर्टेंट, इनके गोल्ड कॉइन्स ये सबसे प्योरेस्ट और सबसे पहले हमें यहीं से देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे कि इट्स नॉट ओनली दिस, यहाँ इसके साथ साथ आपको मिल रहे हैं हमें गुप्ता पीरियड के कॉइन्स, गुप्ता पीरियड के कॉइन्स जैसे कि रोम में डेनराई कहते थे वैसे यहाँ पे क्या कहते थे गुप्ता पीरियड में दिनार, अर्ली मेडिवल कॉइन्स गुज्जू प्रतिहारास, हर एक डायनेस्टी ने अपने अपने कॉइन्स बनाए, लेटर मेडिवल साथ ही साथ अर्ली मेडिवल जब हमने बात करी थी ना तो क्या होता है एक टाइम आता है जब मेटल का डिक्लाइन होने लग जाता है, उस मेटल को डिक्लाइन को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कावड़ीज का भी एमर्जेंस आता है। कॉइन्स के हमारी हेल्प करते हैं एज ए मॉनिटरी हिस्ट्री एंड ट्रेड, कॉइन्स आपको समझाएंगे कि किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, किस तरह का अचार व्यापार हो रहा है। देन इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी कि क्या ये लोग ठीक थे कि सोशल पॉलिटिकल प्रोस्पैरिटी के बारे में। देन इससे हमें पता चलता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंड कॉइन लेजेंड्स कि गुप्ता किंग थे तो वो गुप्ता किंग की हिस्ट्री क्या है, गुप्ता किंग कैसे चीज़ें कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ऐसा भी हो रहा था कुछ ऐसे होते थे लेजेंड जैसे किसी कोई डायनेस्टी आई वो आ गई और अब उन्होंने हरा दिया, उनके सिक्कों का क्या करें, उन्होंने तो सबने अपने अपने नाम के सिक्के बना लिए, क्या करते थे उनको मार काट के उनके सिक्कों को भी मेल्ट करके या उन सिक्कों में काउंटर स्ट्राइक उस इमेज को खराब करके अपनी इमेज बना लेंगे या उसको मेल्ट कर देंगे, तो वो लोहा तो यूज़ करेंगे ना और उसको अपना बना लेंगे। तो दैट मीन सीम्स हम देख रहे हैं एक डिफरेंट मीडियम्स डिफरेंट पैसेजवेज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दस हम देखते हैं कि इसी तरीके की आपको समझें, यही कंक्लूजन आपको लिख के आना है अपने आंसर में, आर्कियोलॉजिकल न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज और एपिग्राफिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज ये सब हमें मदद करते हैं इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तभी हमें इससे एंशियंट और अर्ली मेडिवल पीरियड की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी इमेज ला के दिखाई थी कि किस तरीके से कौन सा टेक्स्ट कितना पुराना चलता हुआ आ रहा है, और आप ये देख सकते हो जब हमने हस्तिनापुर की बात की थी जो हस्तिनापुर माउंट भी हमें देखने को मिलता है। सो गाइस इफ यू वांट टू बाय द एंटायर पीपीटी आप सिर्फ 30 रुपए में खरीद सकते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये पूरी यूनिट 1 की पीपीटी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे उससे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।